मालवा निमाड़ में बादल मानो रूट से गए हैं। पिछले एक पखवाड़े से क्षेत्र में पानी नहीं गिरा है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि 10 तारीख के बाद शहर में हल्की बरसात होने की संभावना है। पिछले कई दिन से क्षेत्र में पानी नहीं गिरा है, जिससे दिन का तापमान भी 32 से 33 डिग्री पर बना हुआ है और लोग उमस से परेशान हैं। लेकिन अबल बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने से एक दो दिन में पानी गिरने की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में जो अधिकतम तापक्रम है वो 33-34 डिग्री के आसपास बना हुआ और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी अभी 24 और 25 डिग्री के आसपास बना हुआ। और हमने देखा कि पिछले पखवाड़े में हमको बारिश अच्छी प्राप्त हो गई थी, जिसकी वजह से हमको काफ़ी उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा। लेकिन हम यदि आने वाले सप्ताह के मौसम की बात करें तो अभी एक दो दिन में हल्की से मध्यम बारिश की शुरुआत होगी और 10 और 11 तारीख के बाद हमारे यहाँ मालवा और निमाड़ के कई जिलों में हमको फिर से मानसून की बारिश प्राप्त होने की संभावना है। अभी तक क्या हुआ कि जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो मानसून एक्टिव होकर आगे बढ़ रहा था वो एक टफ जोन बनने के कारण ब्रेक हुआ और मानसून ब्रेक हो गया। लेकिन अभी फिर से एक सिस्टम डेवलप हो गया है बंगाल की खाड़ी में, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 11-12 तारीख के बाद में मालवा और निमाड़ के कई जिलों में अच्छा पानी या अच्छी बारिश प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की जाती है। अभी तक कितने मीटर बाद आप एग्रीकल्चर कॉलेज इंदौर की बात करें तो इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज के ऑब्जर्वेटरी में अभी तक 258 mm यानी कि 12 इंच के आसपास पानी गिर चुका है।